हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हैं हम? आई होप आप सब लोग बहुत 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 अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके बताने वाली हूँ कि CTM क्या है। व्हाट इज़ द CTM? CTM कोई ऐसी बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत ही नॉर्मल है, वो आपके घर में भी अवेलेबल मिल जाएगी। तो CTM करने के लिए हमें क्या चाहिए? सबसे पहले हमें चाहिए क्लिंजर। कोई भी कंपनी का आप क्लिंजर ले सकते हो। ये देखिए, दो क्लिंजर है मेरे पास, एक ये स्क्रब वाला क्लिंजर है और एक ये नॉर्मल पपाया है। ये हमारे फेस को फेस वॉश भी करेगा, क्लीन भी करेगा एंड स्क्रब करके ब्लैक हेड भी रिमूव करेगा। तो हम इन दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। आपके पास कोई भी क्लिंजर हो, क्लिंजिंग मिल्क हो, आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि मैं आपको जो दिखा रही वही आपको यूज़ करना है। जो भी आपके पास अवेलेबल है घर में सामान, वही आप यूज़ कर सकते हो। उसके बाद बारी आती है टोनर की। टोनर की जगह मैंने लिया है रोज़ वाटर। मुझे रोज़ वाटर ज़्यादा अच्छा लगता है तो मैंने रोज़ वाटर ही लिया है। इसकी जगह आप ये O3 का टोनर भी यूज़ कर सकते हो। ये O3 प्लस का टोनर है, आपको इतना महंगा भी लेने की जरूरत नहीं। अगर आपके पास है अवेलेबल तो आप यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज आप रोज़ वाटर भी ले सकते हो। उसके बाद आता है हमारा मॉइस्चराइजर। मॉइस्चराइजर लिया है मैंने रियल हब कंपनी का। ये हनी मॉइस्चराइजर है, आप कोई भी ले सकते हो जो आपकी स्किन को सूट करता है, जो आप डेली रूटीन में करते हो। तो चलिए देखते हैं CTM कैसे होता है, स्टार्ट करते हैं। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं CTM। तो मैंने कोई फेस वॉश नहीं ले रही हूँ, मैं इनमें से कुछ भी नहीं ले रही हूँ, इनमें से मैं कुछ भी नहीं ले रही हूँ। मैं अपना सिंपल क्लिंजिंग मिल्क ले रही हूँ नॉर्मल। तो क्लिंजिंग मिल्क से हमने करनी है मसाज थोड़ी सी, जैसे हम फेस वॉश करते हैं अपना। एक मिनट दो मिनट मसाज करेंगे आप। आफ्टर मेकअप, बिफोर मेकअप आपने CTM जरूर करना है अपना। थोड़ा सा पानी काट ले लेंगे। बिफोर मेकअप आफ्टर मेकअप आपने जरूर करना है, और आपको रात को सोने से पहले आप अपना CTM जरूर करके सोए एंड सुबह सो के उठने के बाद भी आप अपना CTM करें। हमें मसाज हो चुकी है, बस इतनी ही करनी है जितनी आपने फेस वॉश से करनी होती है। तो हम इसको क्या करेंगे, टिश्यू से गीला टिश्यू या गीला कॉटन ले लेंगे, उससे हम फेस को साफ करेंगे। पूरा टैन उतरेगा आपका, ये देखिए पूरा टैन उतर रहा है मेरा। तो हम मेकअप उतार लेंगे, बेस उतार लेंगे पूरा। देखिए पूरा टैन उतर चुका है, टैन एंड बेस मेकअप सब उतर चुका है इसमें। ये मेकअप उतारने का बिल्कुल सही तरीका है, आपको कोई मेकअप रिमूवर अलग से लेने की जरूरत नहीं है। पूरा मेकअप उतर चुका है। तो अब आती है टोनिंग की बारी। टोनर हमारे पास O3 वाला भी है और हमारे पास सिंपल रोज़ वाटर भी है। तो मैं रोज़ वाटर ही यूज़ करूँगी, आप चाहो तो अपना टोनर भी अच्छा वाला यूज़ कर सकते हैं, या आपके पास जो भी घर में अवेलेबल है वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो यह है स्प्रे बॉटल, मैं रोज़ वाटर, तो मैं आपको स्प्रे भी कर सकती हूँ आइस बन करके, अदरवाइज मैं कॉटन लूँगी। देखिए कॉटन लूँगी, इस पर मैं रोज वाटर डालूंगी। इसको मैं टैप टैप करूंगी स्किन पे अपनी, और ले लेंगे थोड़ा। देखिए ये बहुत फ्रेश फील करवाएगा आपको। तो ये हो रही है हमारी टोनिंग। आज के ऊपर डैप टैप कीजिए, जिससे आपको बहुत रिलैक्स मिलेगा। बहुत अच्छा फील हो रहा है, बहुत फ्रेश फील हो रहा है, सारी थकान उतर रही है इससे। आप फंक्शन से आते हैं मेकअप करके, मेकअप उतारने के लिए आपको किसी भी रिमूवर लेने की जरूरत नहीं। ये आपकी थकान भी उतारेगा फंक्शन की, और आपका फेस के ओपन पोर्स भी बंद करता है, आपके pH लेवल को बैलेंस में करता है। ये करना आपको बहुत ज़रूरी है। तो हम इसको थोड़े
अपने फैन के नीचे सूखने देंगे, इसको अपने आप थोड़ा स्किन के अंदर अब्जॉर्ब होने देंगे। तो गाइस हो चुका है अब्जॉर्ब हमारा रोज वाटर स्किन के अंदर, ये देखिए बहुत ही अच्छा फील हो रहा है, बहुत लाइट फील हो रहा है, पूरी थकान उतर जाएगी आपकी इस एक स्प्रे से, आपकी पूरी थकान उतर जाएगी फंक्शन की। आपको टोनिंग से अगर स्प्रे करना है तो ये टोनर भी स्प्रे वाला ही है, ऐसा नहीं है कि टोनर आपको स्प्रे वाला नहीं मिलेगा, उससे आपकी थकान नहीं उतरेगी। देखिए टोनर भी स्प्रे वाला ही मिलेगा आपको, इसको भी मैं कर सकती हूँ, इसको भी पूरी फेस पे दे सकती हूँ, लेकिन अगर हमारी टोनिंग हो चुकी है तो इसकी हमें नीड है नहीं। इसको साफ कर लेते हैं गीले टिश्यू से अपने। तो अब हम आते हैं अपने लास्ट पॉइंट पे, आते हैं मॉइस्चराइजर पे। तो हमने मॉइस्चराइजर लगाना है एंड में सबसे, नहीं कोई भी मॉइस्चराइजर ले सकता है। बहुत अच्छी क्वांटिटी में लेना, अगर आप रात में सोने जा रहे हैं तो आपको अच्छी क्वांटिटी में इसको यूज करना है। थोड़ी मसाज दे देंगे मॉइस्चराइजर से, जैसे हमें अपनी स्किन को डायरेक्शन देनी है उस डायरेक्शन में मसाज करेंगे। तो हो गया है मेरी स्किन का CTM। तो आई होप आप लोगों को पता चल गया होगा कि क्या है CTM और हमें कैसे करना है CTM और क्यों करना है और उसके क्या बेनिफिट है, आपको समझ में आ गए होंगे। तो आई होप मेरा ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा और आगे भी लगेगा, और करते जाइए लाइक एंड सब्सक्राइब और बढ़ाते जाइए आगे चैनल को और लेते जाइए अच्छी अच्छी नॉलेज मुझसे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।